क्वेश्चन 15 देखिए. इफ द एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर देन द रेडियस ऑफ सर्कल. हमें डायमीटर के एंड पॉइंट्स दे रखे हैं एंड वो कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल. हमारे पास यहां एक सर्कल है, मान लो ये सर्कल का डायमीटर है. इसके एंड पॉइंट्स हमें दे रखे हैं -5.4 एंड दिस इज 1.0 और वो कह रहा है इस रेडियस बता दीजिए इस सर्कल की. आप देखो ये जो डायमीटर है इसके एंड पॉइंट आपके पास हैं. अगर यहां आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं तो आप ये डायमीटर निकाल सकते हैं एंड डायमीटर का जो हाफ होता है वही तो रेडियस होती है. तो बेसिक कंसेप्ट माइंड में स्ट्राइक कर गया कि पहले आप ये डायमीटर निकालेंगे एंड देन उसका हाफ करके आप रेडियस बताएंगे. सो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू वो होगा x2 - x1 यानी 1 माइनस ऑफ -5 का स्क्वेयर प्लस 0 - 4 का स्क्वेयर. आप समझे कि 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 का स्क्वेयर इज 36 प्लस 16 दैट इज. अब आप देखें कि क्या होगा, 6 प्लस 6 इज 12, 1 एंड 52. 52 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 52 को हम ब्रेक कर सकते हैं 4 × 13. 4 का स्क्वेयर होगा, स्क्वेयर रूट होगा 2√13 यूनिट्स. दिस इज बेसिकली द डायमीटर. वी हैव टू फाइंड द रेडियस. सो रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डायमीटर, हाफ इंटू डायमीटर. तो हाफ इंटू डायमीटर, हाफ इंटू 2 × √13. 2 से 2 कैंसिल हो गया, √13 यूनिट्स इज द रेडियस फॉर दिस सर्कल. तो इस सर्कल की जो रेडियस है वो √13 यूनिट्स हमारे पास होगी.